नमस्कार। आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास में बात कर रहे हैं, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो बीए फर्स्ट ईयर, बीए बीएड सेकंड ईयर, बीए फर्स्ट ईयर की क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट जो चल रहा है और बीए सेकंड ईयर की जो बुक है क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी उसका जो पार्ट का जो टॉपिक है और एमए की जो क्लाइमेटोलॉजी ज्योग्राफी है उसका पार्ट हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है और हम उस में क्लाइमेटोलॉजी में हमने बात कर ली थी ऊष्मा बजट की। कल हमारी क्लास में ऊष्मा बजट हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं इंसोलेंस। आज हम बात कर रहे हैं इंसोलेंस की कि इंसोलेंस क्या होता है। तो इंसोलेंस को हिंदी में कहते हैं सूर्य ताप। क्या कहते हैं? सूर्य ताप, सूर्य ताप। सन का जो टेम्परेचर होता है जो धरातल की धरातल पर आता है और धरातल जो सूर्य के तापमान को प्राप्त करता है उसी को हम क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहते हैं। देखिए बात आती है सूर्य की। ये हमारा जो सन है, ये जो सूर्य है, ये सूर्य है, यह सूर्य जो है पृथ्वी से औसतन बात करें तो 149 लाख किलोमीटर दूर है। 49 लाख किलोमीटर दूर है, हम कह सकते हैं 1 करोड़ 49 लाख किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब देखिए 1 अरब ठीक है लाख दूर है और इसमें क्या होता है 149 लाख किलोमीटर जो दूर है इसमें क्या होता है? सूर्य पृथ्वी से यहाँ है, यह क्या है? हमारी पृथ्वी है। अब बात आती है कि सूर्य पृथ्वी से इतना दूर है, सूर्य पृथ्वी से इतना दूर है तो सीधी सी बात कर सकते हैं, अगर मिलियन में बात करें तो मिलियन की बात है तो 147 मिलियन किलोमीटर कह सकते हैं। मिलियन कह सकते हैं, मिलियन किलोमीटर, मिलियन है ये, मिलियन कहोगे तो और भी आसान रहेगा। तो हम बात कर सकते हैं कि एवरेज जो होती है, एवरेज जो है वो है ये दूरी। अब देखिए हमारी पृथ्वी, पहली बात तो सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है, दूसरी बात इसकी जो आकृति है वो क्या है? भूआब है। क्या है? भूआब। भूआब का अगर हिंदी इंग्लिश में अगर देखें तो जियोड, जियोड है। ठीक है, जियोड है या भूआब है। तो हमारी पृथ्वी भूआब जियोड है तो उसी के ऊपर टिका हुआ हमारा जो वायुमंडल है वो भी क्या है? भूआब है। तो हम बात करते हैं सूर्य ताप की। सूर्य ताप का अर्थ सूर्य का ताप, ये तो सन है सूर्य का, और ताप का अर्थ होता है तापमान या टेम्परेचर। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है सूर्य का तापमान। और बात आती है पृथ्वी, देखिए सूर्य से प्राप्त होने वाला पृथ्वी को जो ताप है उसकी बात करते हैं तो ये सूर्य ताप है। अभी मैंने पृथ्वी के तापमान की बात नहीं की, हम तो सिर्फ सूर्य के तापमान की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने बात की थी। तो आगे देखिए सूर्य ताप हो गया। अब देखिए सूर्य ताप जो है वो हमें प्राप्त होता है और मैंने आपको ये बताया था कि जो सूर्य ताप है, ये जो हमारा सूर्य ताप है ये पृथ्वी को प्राप्त होता है और जो प्राप्त होता है सूर्य के ताप का 2 अरबवां भाग ही हमें प्राप्त होता है। पृथ्वी को सूर्य का 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य की पृथ्वी से दूरी ज़्यादा है और जब हमारा प्रकाश पहुंचता है धरती पर तो ये जो हम कह सकते हैं कि इसका बहुत ही कम मात्रा का जो ताप होता है वो पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सूर्य का जो औसत ताप का या हम जो औसत ताप का है उसका 2 अरबवां भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। दूसरी बात, सूर्य की
सूर्य की किरणें जो है, किरण जो है वो 8 मिनट 46 सेकंड में धरातल पर पहुंचती है। 8 मिनट 46 सेकंड के अंदर ये 8 मिनट 46 सेकंड और 52 मिनी सेकंड के अंदर ये हमारे धरातल पर पहुंचती है। कहने का अर्थ ये हो गया कि लगभग 8 मिनट लगते हैं सूर्य से प्रकाश किरण चलने के बाद धरातल पर पहुंचने में, 8 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है और वो पहुंचती है। दूसरी बात मैंने बताया कि सूर्य का जो ताप है वो 2 अरबवां भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। तीसरी जो बात करते हैं हम, तीसरी जो बात है देखिए, पृथ्वी का जो औसत तापमान है, पृथ्वी का औसत तापमान, औसत जो टेम्परेचर है या तापमान है जो सूर्य से प्राप्त करती हैं वो 1.94 कैलोरी प्रति मिनट की दर से प्राप्त करती है। पृथ्वी जो का तापमान है, पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल के ऊपरी सतह पर है ये, ठीक है, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर 1.94 किलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, देखिए 9.94, देखिए पृथ्वी का जो औसत तापमान है जो वायुमंडल के ऊपरी भाग में 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति वर्ग मिनट प्रति मिनट की दर से हमें प्राप्त होता है। आगे हम बात करते हैं देखिए सूर्य के धरातल का तापमान जो है वो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके जो केंद्र का तापमान है, सूर्य के केंद्र का जो तापमान है वो है 10.5 × 7, ठीक है, देखिए हम कह सकते हैं 1.5 × 10−7, ये है, यह हम इसको कह सकते हैं मोटे तौर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,00,000, 10,00,000 और 10,00,000 और करोड़, 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो सूर्य के सतह का तापमान होता है, और 5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर कोई भी जो ठोस वस्तु है वो लिक्विड अवस्था में आ जाती है। तो सूर्य के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और धरातल पर, धरातल सूर्य का जो हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण ये हमारे पास 2 अरबवां ही भाग हमारे तक पहुँच पाता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे इसका एक मोटा मोटा हो गया, आगे हम बात करते हैं जो हमारी पृथ्वी पर, जो हमारी पृथ्वी को सूर्य ताप प्राप्त होता है वो भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न होता है। हम कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पर तापमान जो है वो एक जैसा प्राप्त नहीं होता,
देखिए हम बात करते हैं, ये हमारे क्या है, पृथ्वी है, ये हमारे क्या है, पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी जो है वो जियोड है, क्या है, भू आब है, क्या है, भू आब, भू आब है या जियोड है। अभी मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या है, भू मध्य रेखा है, क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था जिसका नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और एक इसी का नाम बताया था मैंने, 0 डिग्री अक्षांश भी इसको कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या 0 डिग्री अक्षांश भी इसको कहा जाता है। तो इसके जो तीन नाम हो गए, अब देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक रेखा है 23.5 डिग्री जिसका नाम है करक रेखा, और यहाँ पर एक रेखा है जिसका नाम है 23.5 डिग्री, और ये जो ऊपर वाली 23.5 डिग्री जो रेखा है इसका नाम है करक रेखा, और ये जो रेखा है इसका नाम है मकर रेखा। देखिए आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा सूर्य है, हमारा सूर्य है वो किसी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता। देखिए सूर्य अपने अक्ष पे घूमता जरूर है लेकिन किसी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता। दूसरी बात, सूर्य यहाँ पर है, सूर्य क्या है, यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, ये हमारा सन है। अब देखिए सन का जो कह सकते हैं नॉर्मली जो है इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है, इसके ऊपर क्या आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो हम कह सकते हैं नॉर्मली ये हमारा सन है और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आता है भूमध्य रेखा के ऊपर। लेकिन पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो सूर्य जो है, सूर्य का जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो नॉर्मल कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच प्रभावी रहती है, समझ गए, सूर्य की प्रकाश की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में प्रभावी रहती है, और भूमध्य रेखा को छोड़कर कर्क रेखा और मकर रेखा पर उसकी जो सूर्य की किरणें होती है वो तिरछी या सीधी पड़ती रहती हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए सीधी सी बात है, सूर्य कर्क रेखा के ऊपर, पहली बात है भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य 21 मार्च को होता है, कब होता है, 21 मार्च को, 21 मार्च को सूर्य जो होता है वो भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है। मार्च के बाद सूर्य जो होता है वो अपना उत्तरायण की ओर मुड़ना शुरू हो जाता है, और लगभग हम बात करते हैं 21 जून को सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, ठीक है, 21 जून को सूर्य कहाँ चमकता है, कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। 21 जून के बाद सूर्य वापस भूमध्य रेखा की ओर हो जाता है, और यहाँ पर 23 सितंबर को सूर्य वापस पुनः भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है। फिर क्या होता है, देखिए 23 सितंबर को जब भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है तो पुनः ये किस ओर जाता है, दक्षिणायन हो जाता है, और 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिण गोलार्ध की ओर चलता है, और यहाँ पर ये 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर पहुँच जाता है, ठीक है, 22 दिसंबर को कहाँ पहुँच जाता है, मकर रेखा पर पहुँच जाता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पहुँचने के बाद ये पुनः उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, और 21 मार्च को ये पुनः यहाँ पहुँच जाता है भूमध्य रेखा पर। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि जो सूर्य है, सूर्य का जो किरणों का तिरछा या सीधा पड़ना कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच में ही प्रभावी रहता है। दूसरी बात, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसे कहते हैं कर्क संक्रांति, और जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है इसे कहते हैं मकर संक्रांति, तो कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। देखिए सूर्य जो है कर्क रेखा के ऊपर 21 जून को सीधा चमकता है, और ध्यान रखना जब ये कर्क रेखा से यहाँ से भूमध्य रेखा से कर्क रेखा पे आता है तो इसके 3 माह लगते हैं,
फिर ये जब जाने में 3 महीने लगेगा तो आने में भी क्या लेता है, 3 महीने लेता है, कुल हो गए 6 माह। फिर ये यहाँ से मक्का रेखा पर जाएगा तो 3 महीने लगेंगे, 9 माह। और फिर ये मक्का रेखा से भूमध्य रेखा पर जाएगा तो इसे क्या हो गया, 3 माह। इस प्रकार टोटल जो हमारे होते हैं 4 जो रोटेशन बने हैं, इसमें हमारे जो पूरे महीने जो लगते हैं वो 12 महीने या 1 साल का समय लगता है। आगे जब सूर्य मकर रेखा पर या भूमध्य, जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर आता है तो क्या होता है, विषुव बनते हैं। क्या बनते हैं, विषुव। इसे क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर आता है, या हम बात कर सकते हैं जब भूमध्य रेखा पर सूर्य आता है और दिन और रात समान होते हैं 12-12 घंटे के, उसे क्या कहते हैं, विषुव बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 23 सितंबर को शरद विषुव बनता है। क्या बनता है, शरद विषुव। 23 सितंबर को शरद विषुव बनता है, जबकि 21 मार्च को बसंत विषुव बनता है। बसंत विषुव बनता है, क्या बनता है, बसंत विषुव बनता है। तो हम बता रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सूर्य है, वो सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक बार मकर रेखा पर सीधी पड़ती है तो हमारी कर्क रेखा पर इसकी किरणें तिरछी पड़ती है, और जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो मकर रेखा पर तिरछी पड़ती है। कहने का अर्थ ये हो गया कि मकर रेखा और कर्क रेखा पर सूर्य का जो प्रभाव है वो विपरीत होता है। एक जगह सीधी पड़ती है तो दूसरी जगह क्या पड़ेगी, विपरीत पड़ती है। तो मैंने अभी बताया था भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग साल में 2 बार जो किरणें होती है वो सीधी पड़ती है, और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो सूर्य की किरणें होती है वो हमेशा सीधी रहती है, और यहाँ पर जो किरणें होती है वो सीधी पड़ती है, लेकिन कर्क रेखा के आगे और मकर रेखा के नीचे और ज़्यादा नीचे जो किरणें होती है वो तिरछापन बढ़ता जाता है। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 21 मार्च को जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है, 21 मार्च को जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तो 21 मार्च को बसंत विषुव बनता है। उसी प्रकार जब पुनः 23 सितंबर को जब कर्क भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य आता है तो उसे शरद विषुव कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम बात करते हैं सूर्य तप को किन किन कारकों से प्रभावित हो सकता है, वो कारक अभी हम बता रहे हैं। लिखिए सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले एक नंबर कारक है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो ये मोस्ट कारक है। देखिए पहला जो हमारा कारक है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी हमेशा समान नहीं रहती, घटती बढ़ती रहती है, इसलिए जो सूर्य का ताप जो मिलना है वो भी कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसी से जब सूर्य का ताप कम ज़्यादा मिलेगा तो उससे हम जो तापमान प्राप्त होगा या टेम्परेचर इंसोलेंस जो प्राप्त होगा उसमें भी कमी या बढ़ोतरी होती रहती है। देखिए सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि औसत दूरी है, औसत जो दूरी है सूर्य की, औसत दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो है 149 मिलियन किलोमीटर। 149 मिलियन किलोमीटर दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। देखिए अब क्या होता है, जब ये सामान्य दूरी होती है तो ये सामान्य समय होता है, और जब सामान्य दूरी होगी तो यहाँ पर कि कहीं भी ये नहीं कि टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा, एवरेज टेम्परेचर आता है। यहाँ तापमान औसत ताप प्राप्त होगा, क्या होगा, औसत ताप प्राप्त होगा, और यहाँ पे औसत तापमान प्राप्त होगा। अब देखिए क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी बढ़ जाती है तो इसके दो रीजन आते हैं, एक तो अपसोर होता है
और एक उपस्वर होता है, अपस्वर और उपस्वर की पोजीशन आ जाती है। क्या आ जाती है? अपस्वर और उपस्वर की पोजीशन आ जाती है। देखिए मैं आपको बताता हूं, उप उप एक पर्यायवाची है और उप का अर्थ होता है निकट। उप का अर्थ क्या होता है? निकट। उप एक पर्यायवाची है और उप का अर्थ क्या होता है? निकट। निकट माने यह हम कह सकते हैं पास, क्या होता है? पास। तो सीधी सी बात है, उपस्वर का अर्थ क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी औसत से कम हो तो उसे उपस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपस्वर कहते हैं। उपस्वर कहते हैं। जब पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी औसत से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? उपस्वर कहते हैं। और उपस्वर कब होता है? 3 जनवरी को। उपस्वर कब होता है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को, ठीक है। अब देखो 3 जनवरी को क्या होगा? उपस्वर होगा, ठीक है। अब देखो हमारी इसकी औसत दूरी कितनी थी? 149, ठीक है। अब देखो अपस्वर उपस्वर में क्या होगा? पास में आ जाएगा तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो 147 मिलियन किलोमीटर दूरी हो जाती है। 147 है कितनी? 149 मिलियन किलोमीटर है। और ये दूरी घटकर सूर्य और पृथ्वी पास में आ जाती है तो 147 मिलियन दूरी हो जाती है। हम कह सकते हैं, ठीक है, 147 मिलियन दूरी हो सकती है, 1,47 करोड़ दूरी हो सकती है, तो किलोमीटर दूरी हो सकती है। इसके बीच में कम हो जाती है दूरी, और जब दूरी कम हो जाती है तो क्या होता है? टेम्परेचर कम, ज़्यादा प्राप्त होता है, ज़्यादा प्राप्त होता है। तो याद रखना उपस्वर, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी औसत दूरी से कम हो जाती है तो उसे उपस्वर कहते हैं। और ये जो हमारी पोजीशन बनती है ये 3 जनवरी को बनती है, और उपस्वर में जो दूरी होती है वो दूरी 147 मिलियन किलोमीटर हो जाती है, जिससे तापमान प्राप्त ज़्यादा होता है। दूसरी बात देखिए, अपस्वर और उपस्वर का जो प्रभाव जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा देखा जाता है, उत्तरी गोलार्ध में उसका प्रभाव नकारात्मक होता है, या हम कह सकते हैं विपरीत प्रभाव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? 7% ताप ज़्यादा प्राप्त होता है। 7% क्या होता है? तापमान ज़्यादा प्राप्त होता है एवरेज टेम्परेचर से। दूसरी बात हम करते हैं अपस्वर। दूसरी बात क्या होती है? अपस्वर। अपस्वर का अर्थ क्या होता है? दूर, ठीक है। अपस्वर का अर्थ क्या होता है? दूर। और अपस्वर कब होता है उसके बारे में अपनी बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था पहले औसत दूरी, सामान्य स्थिति, और सामान्य स्थिति में मैंने आपको बता दिया था कि एवरेज दूरी होगी और वो होगी 149 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहां पर क्या होंगे? दिन और रात। दिन जो होंगे वो 12 घंटे के, और जो रात होगी वो भी क्या होगी? 12 घंटे की। तो क्या होंगे? दिन और रात समान होंगे। आगे हम बात करते हैं, देखिए अब आती है उपस्वर की पोजीशन। उपस्वर है, उसमें दूरी कितनी होगी? 147 मिलियन किलोमीटर। 147 मिलियन किलोमीटर दूरी होगी, और ये जो पोजीशन बनेगी ये बनेगी 3 जनवरी को। 3 जनवरी को
और 3 जनवरी को बनेगी पोजीशन, तो दूरी क्या होती है, कम होती है, सूर्य और जो पृथ्वी है पास पास में होते हैं, ये 3 जनवरी की उपसूर्य की घटना होती है। और इसमें क्या होते हैं, दिन जो होते हैं, दिन ये लगभग हम कह सकते हैं 16 घंटे के होते हैं, और जो रात होती है वो क्या होते हैं, 9 घंटे की होती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं अपसोर, अपसोर, अपसोर की पोजीशन में जो होती है 152 मिलियन किलोमीटर होती है दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी बढ़ जाती है 152 मिलियन किलोमीटर। और ये जो पोजीशन बनती है ये 4 जुलाई को बनती है, 4 जुलाई को। तो इससे क्या होगा, ताप कम प्राप्त होगा, ताप क्या होता है, कम प्राप्त होगा, तो यहाँ पे रात 16 घंटे की हो जाती है और दिन 9 घंटे का हो जाता है। तो ये जो दिन की जो अवधि है, रात की अवधि, ये इतना माना मायना नहीं रखती, लेकिन ये रखता है अपसोर और उपसोर मायना। इसके बाद तो हो गया सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। उसके बाद हम दूसरा जो टॉपिक है उसमें अक्ष पर घूमना, अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, दूसरा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। देखिए जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो क्या होते हैं, अगर हम बात करें कि जहाँ पृथ्वी होती, जैसे ये पृथ्वी है और ये क्या है, सन है, तो ये जो सन है और ये पृथ्वी है, तो सूर्य का जो प्रकाश होता वो एक भाग पर पड़ता, अगर ये पृथ्वी नहीं घूमती तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ता, इस भाग पर, पूरे भूभाग पर पड़ता, और 24 घंटे यहाँ इसको प्रकाश मिलता। लेकिन होता क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और अपने धुरी पे भी ये घूमती है। जब ये अपने अक्ष पर घूमती है तो क्या होती है, ये घूमती रहती है, और इसका जो कह सकते हैं, इसका जो घूमने का जो है वो है पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। इससे क्या होता है, जो भाग गर्म होता है, जो भाग गर्म हो रहा होता है, या जो भाग गर्म होता है वो आगे बढ़ जाता है, और पीछे ठंडा भाग, पीछे से ठंडा भाग आ जाता है, फिर उसको सूर्य को गर्म करना पड़ता है, जब तक वो गर्म होता है फिर आगे और बढ़ जाती है, फिर और पीछे से ठंडा आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब पृथ्वी अपने ध्रुव पे, अपने धुरी पे घूम रही होती है तो सूर्य को उस पे एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी होती है, क्योंकि अगर एक ही भाग को गर्म करना हो तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता, लेकिन अब क्या है, एक पीछे से पीछे की ओर आता है, माने ये सूर्य के सामने वाला भाग है तो यहाँ दिन है और इसके बैक साइड में क्या है, रात है। जब ये दिन वाला भाग तो पूरा गर्म हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी घूमती रहती है तो रात वाला पार्ट आता रहता है, तो ये माने ठंडा आएगा, और इससे क्या होता है, पृथ्वी को, सूर्य को ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो अपने अक्ष पर घूमना हो गया। उसके बाद में आती है दिन की अवधि, दिन की अवधि। दिन की अवधि, दिन की अवधि माने हम कह सकते हैं दिन और रात बनने की जो अवधि है उसके अंदर अंतर आता है। पृथ्वी पर जो, जब सूर्य, पृथ्वी पर जब सूर्य जब कर्क रेखा और मकर रेखा पर होता है तो दिन की जो अवधि है वो अंतर होता है। देखिए जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर जब सूर्य चमकता है तो कर्क रेखा पर दिन की जो अवधि होती है वो 12 घंटे से अधिक होती है, लगभग हम कह सकते हैं 14-15 घंटे की अवधि होती है दिन में। तो देखिए जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा, और सूर्य कर्क रेखा पर होने के बाद में सूर्य की किरणें वहाँ पर लंबवत पड़ती है, तो एक नंबर बात तो वहाँ पर ताप अधिक मिलता है, और सूर्य का जो प्रकाश है वो लंबे समय तक मिलता है, तो हम कह सकते हैं लगभग 14-15 घंटे वहाँ पर तापमान मिलता है। तो यहाँ पर जो
तापमान ज़्यादा मिलेगा, या हम बात करें सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती है, दिन की अवधि ज़्यादा होती है, तो दिन की अवधि जितनी ज़्यादा होगी तो ताप उतना ही ज़्यादा मिलता है। दूसरी बात करते हैं, अगर सूर्य कर्क रेखा पर होगा, अगर सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो मकर रेखा पर क्या होगा, ताप कम, क्योंकि सबसे तिरछी किरणें पड़ेगी मकर रेखा पर, सबसे तिरछी किरणें पड़ेगी तो दिन की अवधि क्या होगी, छोटी होगी, दिन की अवधि क्या होगी, छोटी होगी, और जब दिन की अवधि छोटी होगी तो तापमान क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तापमान कम मिलेगा तो हमारा जो धरातल है, हमारा जो तापमान है वो क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि दिन की अवधि जो होती है, दिन की अवधि कम या अधिक होने के कारण हमें तापमान भी उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो सूर्य के कर्क रेखा पर तापमान अधिक प्राप्त होगा, और जब सूर्य मकर रेखा पर आ जाएगा तो कर्क रेखा पर कम होगा और मकर रेखा पर अधिक हो जाएगा, तो ये ट्रांसफर होता रहता है। इसके बाद हम करते हैं बात वायुमंडल की पारदर्शिता, वायुमंडल की पारदर्शिता, वायुमंडल की पारदर्शिता, पारदर्शिता। देखिए हमारी ये जो अर्थ है, ये पृथ्वी है, इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके ऊपर एक क्या पाया जाता है, बहुत मोटा वायुमंडल की परत पाई जाती है, और जब वायुमंडल की परत को पार करके सूर्य की किरणें नीचे धरातल की ओर आती है तो रास्ते में उसे भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें, जलवाष्प, धूल के कणों का सामना करना पड़ता है। कुल कुछ ऐसे अपने कह सकते हैं तत्व होते हैं जो आर्द्रता ग्राही होते हैं, जो आर्द्रता को लेते हैं या तापमान को सोख लेते हैं, तो कई बार जो ठंडे पिंड होते हैं वो तापमान की जो किरणें आती है उसको सोख कर अपना भोजन वगैरह बना लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे वगैरह और धूल कण, ठीक है, जलवाष्प वगैरह, तो ये क्या होते हैं, उसके तापमान को सोख लेते हैं। तो वायुमंडल की मोटी परत को पार करके जब सूर्य तक, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें आती है तो वो क्या हो जाती है, धीरे 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 धीरे, जितनी ज़्यादा लंबाई होगी सूर्य की किरणों की, या ज़्यादा जो वायुमंडल की ज़्यादा मोटाई होगी, तो उसको पार करने में उतना ही ज़्यादा उसको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडल की जो मोटाई है वो भी हम निर्भर करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं स्थल विन्यास, स्थल विन्यास। यह हम कह सकते हैं स्थल व जल का स्वभाव या हम कह सकते हैं क्षेत्र। देखिए जिस क्षेत्र में धरातल छोटे छोटे होते हैं तो उन्हें सूर्य को गर्म करने में कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। दूसरी बात करें कि जिन क्षेत्रों में, हम बात करें कि जल और स्थल का स्वभाव क्या है, एक अलग अलग है। जल जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, और जो धरातल होता है वो धीरे धीरे जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा होता है। तो दोनों के स्वभाव में क्या अंतर है, इससे क्या होता है कि जो, जैसे अपने स्थल की बात करें, स्थल जो होते हैं तो वो क्या होंगे, जल्दी गर्म हो जाएंगे, जल्दी गर्म हो जाएंगे, और जब सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा तो जल्दी ठंडे हो जाते हैं। और उसके विपरीत क्या होगा, जल भी क्या होगा, देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा, माने उसकी एनर्जी ज़्यादा खर्च करेगा। और क्षेत्र जो होंगे, जैसे एक बहुत बड़ा जलीय भाग है उसको गर्म करने के लिए सूर्य को अपनी एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है, और धरातलीय जो भाग है उसको, उसके बहुत बड़े भूभाग पर बहुत कम मात्रा में एनर्जी से वो बहुत बड़ा भूभाग जल्दी गर्म हो जाता जल की अपेक्षा। तो हम कह सकते हैं कि जो स्थल विन्यास है वो भी एक अलग अलग है। आगे हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था बसंत विषु और शरद विषु, इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे सूर्य की किरणों के आधार पर, सूर्य का जो ताप प्राप्त होता है उसके आधार पर हमारी पृथ्वी को तीन कटिबंधों में बांटा है। तो हम कह सकते हैं ताप कटिबंध, पृथ्वी पर ताप कटिबंध। तो हमारे पृथ्वी पर ताप कटिबंध जो है टोटल, वैसे तो ये है पाँच, ठीक है, पाँच है, लेकिन अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से तीन कटिबंधों में बांटा गया है। एक आता है उष्ण कटिबंध, दूसरा आता है शीतोष्ण कटिबंध, और तीसरा जो आता है उसे कहते हैं शीत कटिबंध। तो टोटल कटिबंध कितने हैं, तीन ही हैं, लेकिन इनकी संख्या कितनी है, पाँच है, क्योंकि दो
शीतोष्ण कटिबंध आ जाएंगे और दो क्या आ जाएंगे, शीत कटिबंध आ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे पृथ्वी बनाई और ये पृथ्वी जो है ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा से लेके यहाँ तक और यहाँ तक, भूमध्य से रेखा से अपने कह सकते हैं कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, मकर रेखा के बीच में हमारा जो कटिबंध बनता है ये बनता है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर 64.5 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से लेके 64.5 डिग्री साउथ इक्वेटर तक, तो ये है शीतोष्ण कटिबंध और ये है हमारा शीतोष्ण कटिबंध, और हमारा ये जो हो गया ध्रुवों पर शीत कटिबंध, और ये भी हमारा क्या होगा शीत कटिबंध। कहने का अर्थ क्या हो गया कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, ताप अधिक प्राप्त होता है, तो हमेशा ये हमारा जो कटिबंध होता है यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबी पड़ने के कारण यहाँ पर हमारा कटिबंध कौन सा हो गया, उष्ण कटिबंध हो गया। इसी प्रकार कर्क जब सूर्य यहाँ पर होगा तो यहाँ पे किरणें तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पर क्या होगी शीत ऋतु होगी, शीत ऋतु। और जब यहाँ पर सूर्य होगा तो यहाँ पर क्या होगी गर्मी होगी, तो हम क्या कह सकते हैं शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, सर्दी और गर्मी जो दोनों दशाएं पाई जाती है वो शीतोष्ण कटिबंध होता है। और 64.5 डिग्री के बाद हमारी किरणें नहीं पहुँच पाती सूर्य की, इसीलिए वहाँ शीत कटिबंध होता है। तो आज हमने किया है तापमान, ठीक है, सूर्य ताप के बारे में बात की है और सूर्य तापमान को आपने विस्तार से देखा है। कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके बारे पर बात करेंगे हम नए टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।